हेलो एवरीवन, आई एम प्रमोद फ्रॉम इंडियन इंग्लिश ग्रामर। सो गाइस, इंडियन इंग्लिश ग्रामर के चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। और जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको नरेशन के लिए पूरा का पूरा डिटेल लेकर आया हूँ, जिसमें आप चाहे हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे आप इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, सब कुछ आपको इसमें टोटल का टोटल मिलेगा, ठीक है। और पूरा का पूरा हम एक एक पॉइंट करके पढ़ेंगे, ठीक है। बस आपको वीडियो पे ध्यान से बने रहना है। और हाँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद में नरेशन के आने वाली किसी भी समस्या का समाधान आपको इस पूरे के पूरे वीडियो में मिल जाएगा, ठीक है। आइए सबसे पहले हम कुछ मेन मेन पॉइंट इसमें देखते हैं, ठीक है। यदि किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में दोहराया जाए तो वह डायरेक्ट स्पीच कहलाता है, ठीक है ना। डायरेक्ट स्पीच जो होता है वो हमेशा कमेशा क्या करता है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रखा जाता है, राइट। इन्वर्टेड कॉमा क्या होता है, ये होता है इन्वर्टेड कॉमा। बात समझ में आ गई कि नहीं? ऑल राइट, ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है, यदि किसी वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में न दोहरा करके उसके आशय या सारांश को, कहने मतलब उसके अर्थ को अपने शब्दों में व्यक्त किया जाए तो वह इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इनडायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के भीतर नहीं रखा जाता है। जैसे आप ये देखेंगे, देखिए ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया, ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। बहुत सारे आप यहाँ पे हिंदी देखेंगे एग्जांपल में, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है ना। तो बहुत सारे पॉइंट है, इसको मैं इसमें दिखा रहा हूँ, आप ध्यान से देखते जाओ। और कुछ विशेष पॉइंट्स आप यहाँ पे भी ध्यान से देखें। ये लिखा हुआ है कि उदाहरण से, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हिंदी में जो होता है गाइस, वो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। जैसे हिंदी में यहाँ लिखा है, देखो सेम टू सेम यहाँ पे भी लिखा है ना। केवल एक चीज़ आप ध्यान से देखो, जब ये कॉमा हटाया जाता है तो यहाँ पे की लगा दिया जाता है, बाकी सेम टू सेम वैसे ही है, ठीक। तो ये बात को ध्यान से आप यहाँ पे देख लो। और भी कुछ एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और लिखा गया है कुछ, आप उसको भी समझ सकते हैं, ठीक है। हिंदी वाक्य जितना भी दिखाई दे रहा है सब कुछ बराबर आपको समझ में आ रहा है, और इसको भी पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, हम तो कह रहे हैं सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, कुछ और भी एग्जांपल मैं आपको दिखा देता हूँ डायरेक्ट स्पीच का। यहाँ पे देखेंगे, ये डायरेक्ट स्पीच के बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए गए हैं, बिल्कुल आसानी से सब कुछ आप देख लीजिए, ठीक है। आइए और भी हम आपको दिखाते हैं डिटेल, ठीक है। ये आपका चौथा एग्जाम्पल है, पांचवा एग्जाम्पल है, सब एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर देखेंगे पूरे के पूरे। और जहाँ नहीं समझ में आया, थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख लो, पूरा अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छे ढंग से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पे भी देखेंगे आप, कुछ विशेष पॉइंट्स यहाँ पे दिया गया है, इसको नोट कर लेना और समझ लेना, ठीक है। से सैड के बाद में टू का प्रयोग होगा यदि इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आए तो, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी दिख रहा है ना, सिंपली ये सारा का सारा। और यहाँ पे दिख रहा है टेल टोल्ड आस्क आस्क्ड के बाद टू का प्रयोग नहीं होता है, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, है ना। पूरा का पूरा डिटेल आप देख लीजिए। यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज है जो हिंदी में दिया गया है, इसको ले करके आपको बना डालो सारा का सारा डिटेल, जितना भी है टोटल का टोटल बना डालिए आप, ठीक है। कुछ वोकैबुलरी भी दिया गया है, इसको भी देख लो, ठीक है। यहाँ भी डिटेल है कुछ, इसको आप ध्यान से समझ लेना, बात को पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ने के बाद में आपको बातें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप इसे पढ़ेंगे नहीं, ध्यान से समझेंगे नहीं, तो बात समझ में नहीं आएगी भाई। और ये बिल्कुल शॉर्ट वीडियो है जिसके द्वारा आप पूरे के पूरे डिटेल को पढ़ सकते हैं, 100% सीख सकते हैं सब कुछ। यहाँ पे एक नोट दिया गया है, इस नोट को जरा से पढ़ लीजिए। वीडियो को पज करके पीछे ले जा करके आप देख सकते हैं, ऊपर का डिटेल कुछ भी आपको देखना। कहा गया उदाहरणों में आपने देखा कि वाक्य में प्रयुक्त की को हटा दिया गया है और वहां पर कॉमा का प्रयोग हुआ है, तथा आगे आने वाले भाग को डबल नोटेड कॉमा से घेर दिया गया है, दिख रहा है नहीं। ये सारा का सारा डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस है ना, तो इसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, ठीक। आइए कुछ विशेष पॉइंट्स और भी जान लेते हैं, उसको देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बात को ध्यान समझना। रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर एक वाक्य रहता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस है ना, तो ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है, तो इसको हम क्या कहेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब कहेंगे। बिल्कुल शॉर्ट वाली, बिल्कुल बच्चों जैसी चीज़ें हैं, बिल्कुल आसानी से याद कर डालो हमेशा के लिए, ठीक है। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है। और इधर वाला जो है गाइस, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, ठीक है।
अब वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच ये एम है, कहने का मतलब इसमें लगने वाला ये एम है। जैसे एम इज आर एम वाज वर वगैरह जो होता है, वैसे तो यह एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है ना, लेकिन कभी कभी क्या होता है इस ऑक्सिलरी वर्ब की जगह मेन वर्ब भी लगा रहता है। मेन वर्ब क्या होता है? मेन वर्ब वह शब्द होते हैं जिनके 5 फॉर्म बनाए जा सकते हैं, जैसे गो वेंट गॉन, है ना, समझ रहे हैं ना। तो ये शब्द जो है वो मेन वर्ब होता है, तो उसे हम या फिर इज आर एम को क्या कहते हैं, वर्ब ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। ये 3 पॉइंट याद रखना आपके लिए 100% जरूरी है। अगर आप ये याद नहीं रखेंगे ना तो फिर आप आगे कर नहीं पाएंगे। याद रख लेना कि जितना भी पॉइंट इसमें मैं बता रहा हूँ ये पूरा का पूरा याद कर लेना। अब हम लास्ट में यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा पॉइंट विशेष रूप से। कहा जा रहा है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ जनरल और स्पेशल रूल होते हैं। तो जो जनरल रूल होता है उन नियमों को कहते हैं जो प्रत्येक प्रकार के वाक्यों के साथ लागू होते हैं। जनरल रूल्स को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। एक है आपका चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस होता है, तीसरा जो है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ द स्पीच होता है, ठीक है। आइए एक एक पॉइंट को हम लोग आगे पढ़ते हैं बराबर, बिल्कुल अच्छे ढंग से, राइट। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले मेन पॉइंट है आपका चेंज ऑफ पर्सन। गैस चेंज ऑफ पर्सन को कुछ लोग जो है सन के फार्मूले के बेस पर भी पढ़ते हैं, लेकिन मैं आपको सन के फार्मूले के बगैर भी समझा दे रहा हूँ। कहा जा रहा है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका जो ओवरऑल सब्जेक्ट होता है, गैस जो पर्सन होता है वो फर्स्ट पर्सन अगर होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है, सेकेंड पर्सन होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार, अगर थर्ड पर्सन होता है तो कोई चेंजिंग नहीं होती। आइए एग्जाम्पल को देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए सिंपल सा सेंटेंस आप यहाँ पे एक ले लेंगे और उसके अनुसार आप चेंज करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे एक सेंटेंस है लिखा हुआ है सिंपली, थोड़ा सा बड़ा साइज कर लेते हैं, आराम से देख सकते हैं ताकि। जैसे सेंटेंस कहा गया ही सेज का मतलब इधर का पार्ट हो गया, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब हो गया और ये आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो है ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। तो रिपोर्टेड स्पीच का जो ये सब्जेक्ट होता है, कहने का मतलब ये जो पर्सन होता है, इसका जब हम चेंजिंग करते हैं तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के जो है सब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं, ठीक है। और अगर इसको ये आपका सेकंड पर्सन होता है ये, तो हम इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार परिवर्तन करते हैं, और ये अगर थर्ड पर्सन होता है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। सन फार्मूले का मतलब यही होता है, तो इस सन के फार्मूले को आप अच्छे ढंग से समझ लीजिएगा, ठीक है। कैसे है बिल्कुल सिंपल हम करके दिखाएंगे आपको आगे। अभी आइए जैसे मान लीजिए यहाँ पे यह एग्जाम्पल दिया गया है, तो हम ध्यान से देखेंगे और यहाँ पे जो लिखा गया है इसको पढ़ करके हम इसको समझेंगे, ठीक है। जैसे कहा गया कि अच्छा, एक इसका मैं आपको एक चार्ट भी दिखा दे रहा हूँ, चार्ट को ज़रा सा देख लीजिए, ये आप डिटेल देख लेंगे थोड़ा सा जो है। ये सारा के सारे पर्सन का डिटेल यहाँ पे दिया गया है। जैसे फर्स्ट पर्सन का ये पूरा का पूरा ये रो जो बनाया गया है देख सकते हैं, ये सारे के सारे फर्स्ट पर्सन कहे जाते हैं, और ये जो रो है गाइस ये आपका सेकंड पर्सन होता है, ये आपका थर्ड पर्सन टोटल का टोटल रो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, समझ रहे हैं। बिल्कुल सिंपल सा है जिसे आप समझ सकते हैं, तो इसको समझने के लिए आपको जानना अति आवश्यक है, राइट। आइए इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक सेंटेंस दिया गया है कि ही सेज आई एम रेडी, तो आई जो है ये यहाँ पे ही कैसे हो गया, इसी को समझना है ना। तो हम देखेंगे कि जो आई यहाँ पे है गाइज ये फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन है और नॉमिनेटिव केस में ये फर्स्ट पर्सन है। तो जब आई जो होता है वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट है गाइज सेम टू सेम वही आपका इसमें आ जाएगा, राइट। जैसे थर्ड पर्सन जब ये बन जाएगा तो थर्ड पर्सन तो आपका ही होगा ना, आई का क्या होगा, थर्ड पर्सन ही होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, उसको उठा करके यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इस तरह से कोई और भी सेंटेंस अगर हम लेंगे तो उसको भी इसी तरह से चेंज करेंगे। जैसे यहाँ पे सी था तो सी को हमने डायरेक्टली उठा लिया, बिकॉज आई का ये लड़की है मान लो ना, बिकॉज ये लड़की ही तो बोल रही है ना, तो आई को हम उठा करके यहाँ पे सी रख दिए, बिकॉज आई का यहाँ पे ही की जगह लड़की के लिए सी बन जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, आगे कुछ और एग्जांपल देखते हैं। इसलिए इस तरह से आने वाले कोई भी सेंटेंस है उसको आसानी से आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे ये सारा का सारा एग्जांपल आपको दिया गया है, इसको बिल्कुल विधि से देख लीजिए बिल्कुल। तो देखा आपने किस तरह से हमने इसका परिवर्तन कर दिया, बिल्कुल सिंपल सा है जो आप परिवर्तित कर सकते हैं। और यहाँ पे जहाँ जहाँ भी पॉइंट नोट वाला दिया गया गाइस,
उसे अच्छे से जरूर पढ़ लेना और बिल्कुल आसानी से आपको ये समझ में आ जाएगा। ऐसी बुक है जिसके द्वारा आप बिल्कुल आसानी से सब कुछ पढ़ सकते हैं। एक्सरसाइज भी आगे दिया गया, आप यहाँ पे एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और भी एक्सरसाइज दिया गया, आप इसको भी देख लीजिए। और यहाँ पे जो रूल है दिया गया गाइस, ये हमेशा याद कर लेना ज़रूर से, नहीं तो बिल्कुल कोई बात समझ में नहीं आ पाएगी, ठीक। तो ये तो हो गया आपका चेंज ऑफ पर्सन। अब आइए दूसरा हम देखते हैं चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है, उसका बिल्कुल शॉर्ट डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे आप चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। चेंज ऑफ टेंस जो होता है गाइस, उसका अगर आपने ये दो पॉइंट पढ़ लिया अच्छे ढंग से, और साथ में अगर आपने ये पॉइंट जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको आपने पढ़ लिया, ध्यान से समझ लिया अच्छे ढंग से, तो 100% आपको पूरी तरह से चेंज ऑफ टेंस आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल चीज़ें आपको दी गई हैं, पूरा चार्ट बना करके, कहीं से भी कोई समस्याएं नहीं आएंगी। वीडियो को पॉज कर लेना, इनको नोट कर लेना पूरा 100% सीखने के लिए, ठीक है। उसके बाद का ये कंटिन्यू है, इधर आप देख लेंगे, इधर एक्सरसाइज दिया गया है, प्लस यहाँ पे एक नोट है, इसको नोट कर लेना ज़रूर से। नोट को नोट करना अति आवश्यक होता है, राइट। आगे बढ़ते हैं और अब हम आपको सिखा देते हैं चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जैसे दिस दैट दिस दोज जो होता है गाइस, अगर डायरेक्ट स्पीच में ऐसा दिखाई देता है तो उसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच में ऐसा बदल जाता है। बात को समझ में ना अच्छे से, ठीक है ना। बस यही आपका सिंपल बिल्कुल तरीका है जिसके द्वारा आप इसको पूरा 100% समझ चुके हैं। अब ये पॉइंट तीनों खत्म हो गया। आइए अब हम आपको जो है सेंटेंस के एग्जांपल दे देते हैं कि सेंटेंस अगर इंट्रोगेटिव होता है तो उसको कैसे बदलेंगे। उसके लिए आप इस नियम को बिल्कुल 100% देख लीजिएगा, तभी जाके आपको बात समझ में आ पाएगी। इसको ध्यान से समझ लेना ज़रूर से, ठीक है। और ये जो रूल्स हैं बिल्कुल अच्छे ढंग से याद कर लेना, अगर ये रूल्स याद नहीं किया आपने तो फिर आपको चीज़ें समझ में नहीं आ पाएंगी। ये पूरा चीज़ों को सीख लेना, याद कर लेना। किसी भी पॉइंट में अगर आप फंस रहे हैं तो उसके लिए आप कमेंट भी करना, मैं आपको कमेंट का पूरा एग्जांपल सहित सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। और इस वीडियो को जो है गाइस और भी लोगों के पास भी फॉरवर्ड करो, ताकि वो अच्छे ढंग से इन चीज़ों को देखें और पढ़ें और जो है बिल्कुल आसानी से इसको जो है समझें। एग्जाम्पल और भी है यहाँ पर, आप देख सकते हैं, ये एग्जाम्पल जितने भी है देख लीजिए, इसको देखते हुए जो है आगे बढ़ेंगे आप। एग्जाम्पल्स को पूरा कर लेना, एक्सरसाइज को कर डालना, ठीक है। यहाँ पे है आपका इम्परेटिव सेंटेंस, आप इम्परेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं पूरा। इम्परेटिव सेंटेंस का पूरा डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा का पूरा डिटेल आपको यहाँ मिल जाएगा, पूरा का पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे। कुछ भी चेक करो, पूरा का पूरा सब कुछ आपको यहाँ पे डिटेल मिलेगा। फिर आपके लिए मैं यहाँ पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का डिटेल दिखा दे रहा हूँ। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का डिटेल यहाँ पे है पूरा, इसमें क्या परिवर्तन होंगे, कैसे होंगे, इसका पॉइंट टू पॉइंट सब कुछ जो है चेक कर लेना, ठीक है। एक एक चीज़ों को चेक करके उसके अनुसार बना लेना, ठीक है। ये भी कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे भी देख लेना, ये पूरे के पूरे एग्जाम्पल को आप कर लेना और इस पॉइंट को याद कर लेना ज़रूर से। क्योंकि जब भी आप कोई सेंटेंस बनाते हैं, अगर उसके रूल्स वगैरह आपको क्लियर नहीं है, पॉइंट क्लियर नहीं है, तो फिर बिल्कुल आप कोई भी चीज़ें अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ और भी एग्जाम्पल दिया गया है, इस एग्जाम्पल को भी देख लीजिए बराबर ध्यान से, समझ लीजिए और इसको भी आप जो है पूरा का पूरा कर लीजिए, ठीक है। बस आज के वीडियो में इतना ही गाइस, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन हाँ, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को देख करके सब्सक्राइब करो, बिल्कुल फ्री में पढ़ाई करो, कोई चार्जेस नहीं है इसका। और इसके अलावा हमारा एक और चैनल जिसका नाम है इंडियन इंग्लिश स्पीकिंग क्लास तैयारी, उसको आप जा करके सर्च करें, जिसके द्वारा आप अंग्रेजी को बोलना सीख सकते हैं गारंटी के साथ में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।